भारत ने एक साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस को दिया बड़ा झटका। भारत ने बनाए अमेरिका से खतरनाक P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट। अब चीन और पाकिस्तान की लिखी जाएगी तबाही। तो वहीं अमेरिका को DRDO का मजाक करना पड़ा महंगा। DRDO ने लगाए $2.4 बिलियन का झटका। दोस्तों, भारत समुद्र, आसमान और जमीन पर जो जंग की रणभूमि तैयार कर दिया है, उसमें किसी ने भी युद्ध की जरूरत दिखाई तो उसकी तबाही भी तय है। धरती दुश्मन की होगी, लेकिन विजेता केवल हिंदुस्तान होगा। भारत के आगे चीन और पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए। अब अमेरिका का भी भारतीय हथियारों को देखकर दिल दहल जाता है। अभी हाल ही में हमने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें अमेरिका ने अपने MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को देने से इनकार कर दिया था और भारत की DRDO का खूब मजाक बनाया था कि भारत कभी ताकतवर ड्रोन का निर्माण कर ही नहीं सकता। जिसके बाद अब भारत ने अमेरिका से P-8I की डील कैंसिल कर दी है। ये बहुत बड़ी डील थी जिसने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को हिलाकर रख दिया है। केवल डील ही कैंसिल नहीं हुई है बल्कि P-8I से भी खतरनाक योद्धा का निर्माण कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी भारत अमेरिका को एक और झटका देने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं दो बड़ी खबरों को आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही कमेंट में DRDO के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आपको उस भारत के स्वदेशी P-8I के बारे में बताए, उससे पहले आपको बता दें कि किन किन हथियारों की भारत ने रूस और अमेरिका से डील कैंसिल की है। डील कैंसिल होने की वजह साफ है कि जब भारत के स्वदेशी निर्माण इतने ताकतवर होने लगे हैं तो भारत को अब दूसरे देशों से खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। जब से भारत में आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत हुई है तभी से भारत ज्यादा जोर अपने स्वदेशी हथियारों पर दे रहा है, जिसके चलते भारत ने कई देशों से डील को कैंसिल करने की शुरुआत कर दी है, जिसके कारण भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस की डिफेंस कंपनियों की हालत को खराब करने वाला है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले दो दिनों से कई सारी डिफेंस हथियारों की डील कैंसिल कर दी है, जिसमें शॉर्ट रेंज की मार्ग क्षमता वाली 14 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके बाद अब भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट रेंज के रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने खरीदने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की P-8I एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। ये डील लगभग 50,000 करोड़ रुपए की थी। इसमें रशिया की कई एंटीशिप मिसाइलें थी, शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम था और साथ ही कामो हेलीकॉप्टर भी शामिल था। इन सब में जो सबसे बड़ी डील थी वो अमेरिका के पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट से संबंधित थी, जिसे सबमरीन हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भारत को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी भारत ने इस डील को कैंसिल करके सबको चौंका दिया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है वो यह है कि क्या भारत के पास इसका कोई ऑप्शन मौजूद है? इसके डील कैंसिल करके क्या भारत ने कोई गलती तो नहीं कर दिया है? क्योंकि चीन पहले ही समुद्र के अंदर अपनी ताकतवर सबमरीनों को तैनात कर रखा है, तो वहीं पाकिस्तान को भी कई सबमरीन भारत पर अटैक करने के लिए सौंप चुका है। इसी को देखते हुए भारत ने अमेरिका से P-8I को खरीदने की डील की थी और यह $2.4 बिलियन की डील थी। इस डील के कैंसिल होने के बाद भारत ने $2.4 बिलियन को तो बचा लिया है, लेकिन क्या भारत अपने दुश्मनों से समुद्र के अंदर लोहा ले पाएगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि भारत के पास इसका ऑप्शन मौजूद है, जिसका नाम है C-295। दरअसल DRDO पहले ही पेट्रोलिंग करने वाले एयरक्राफ्ट के रडार का निर्माण कर चुका है। अब इसी रडार का ही इसे C-295 में उपयोग किया जाएगा। इसके बाद इसे C-295 का उपयोग P-8I की तरह किया जाएगा। इसके पहले भारत ने अमेरिका से P-8I की डील के समय जो समझौते किए थे, उसमें भारत ने कहा था कि P-8I एयरक्राफ्ट में भारत अपने वेपन सिस्टम का ही उपयोग करने वाला है जो DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। अब भारत C-295 एयरक्राफ्ट में DRDO के द्वारा बनाए गए रडार सिस्टम का इंटीग्रेशन करके इसको समुद्र की निगरानी के लिए तैनात कर सकेगा। इसे पेट्रोलिंग में कैपेबल बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी के रडार सिस्टम का भी उपयोग किया जाने वाला है, जिसके कारण यह सबमरीनों को पानी के अंदर से ही डिटेक्ट कर सकेगा। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वह है रडार सिस्टम। इसकी खोज पहले ही भारत का DRDO कर चुका है, तो अब इसी रडार को इस C-295 में उपयोग किया जाने वाला है। इसके बाद भारत का स्वदेशी P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें खतरनाक मिसाइलों को भी इनबिल्ट किया जा सकेगा।
दोस्तों आइए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रही खतरनाक वेपन को लेकर है, जिसको अमेरिका और भारत दोनों ही बना रहे हैं। ये भारत का बहुत ही सीक्रेट हथियार है, जो पल भर में चीन और पाकिस्तान की एक एक तैयारियों को बेदम कर सकता है। जितना परमाणु बम खतरनाक है, उतना ही यह दमदार योद्धा भी है। बस फर्क इतना है कि परमाणु बम के टारगेट में मानव जाति होती है, जबकि इस योद्धा के टारगेट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी। किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिकों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की भी मदद ली जाती है। अब सैटेलाइट के जरिए एक देश से दूसरे देश की तैयारियों की निगरानी कर रहा है, तो वहीं रडार के जरिए फाइटर जेट और ड्रोन की नजर भी रखी जा रही है। तो सोचिए, भारत कोई ऐसा हथियार बना ले जिसके वार से ये रडार और सैटेलाइट काम करना बंद कर दे, तो उसके बाद तो भारत किसी भी देश को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस हथियार के निर्माण पर काफी तेजी से काम कर रहा है, तो इसी लिहाज से जिस खतरनाक वेपन पर भारत का डीआरडीओ काम कर रहा है, ये भारत की सुरक्षा में बहुत अहम रोल निभा सकता है। डीआरडीओ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, दरअसल इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वॉरफेयर है। जब भी इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर किया जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रोसेसिंग यूनिट को रोक देता है। इसके निर्माण पर भारत का डीआरडीओ काफी लंबे समय से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत एशिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर इस तरह के वेपन का निर्माण किया जा रहा है। उधर खुशफहमी के दलदल में डूब रहे चीन को लगता है कि उसने भारत से मुकम्मल तैयारी कर रखी है, लेकिन भारत जिस तरीके से हथियारों के निर्माण पर काम कर रहा है, उसके भारतीय जखीरे में शामिल होते ही चीन की जितनी भी तैयारियां होगी सब राख में तब्दील हो जाएगी। अब यह जो दुश्मनों को बेदम करने दमदार योद्धा की खेप तैयार हो रही है, यह अकेले ही इतना ताकतवर है कि युद्ध की तस्वीर चुटकियों में बदल कर रख देगा। मिसाइल और फाइटर प्लेन के लिए तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब के लिए अभी तक किसी भी देश के पास काउंटर अटैक के लिए कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं बनाया गया है। इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर की तैयारियों पर भारत जोर दे रहा है। आइए अब हम बताते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब कैसे काम करता है। दरअसल इसका उपयोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में किया जा सकता है, और साथ ही वेपन के रूप में किसी अटैक में भी किया जा सकेगा। जब भी इस हथियार से दुश्मनों पर वार करना होता है, तो इसको ड्रोन में अटैच किया जाता है। किसी इमारत या किसी सैन्य क्षेत्र से जब यह गुजरेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक के जरिए तरंगे उत्पन्न करेगा, और यह तरंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने नियंत्रण में ले सकेगी, लेकिन जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देगी। भारतीय सेना में इसके शामिल होते ही एलएसी सीमा पर भारत चीन से कई गुना ताकतवर होने वाला है, क्योंकि चीन के पास अभी इस तरीके का कोई भी हथियार मौजूद नहीं है। आपको बता दे, ये भारत में काली हथियार यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर से बिल्कुल अलग होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, लेकिन कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें।